नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे आपका कोई भी ईमेल आईडी को, कोई भी जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो अपना मोबाइल को यूज़ करके। इसके लिए ना कोई डेस्कटॉप यूज़ करने की ज़रूरत है, ना कुछ दूसरा तरीका यूज़ करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से किया जाता है। तो कुछ टाइम क्या होता है कि हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे मेल आईडीज बनाते जाते हैं, फ़ोन में याद नहीं रहता है, तो नेक्स्ट टाइम और एक बना लिए, उसके बाद और एक बना लिए, तो बाद में देखा जाता है तो 5-7 हो गया, तो सबको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है और पासवर्ड भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो सिचुएशन में मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, आप लोग कुछ जो फालतू आईडीज है उसको डिलीट कर दीजिए और कुछ पर्टिकुलर कुछ आईडीज को ज़रूर मेंटेन कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इन डिटेल्स क्या क्या स्टेप्स है, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब एंड टेक रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे, मेन डिस्कशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट आपको जीमेल, आपका फ़ोन से जो जीमेल एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद सारा स्टेप्स आप लोग मेरे साथ फॉलो करते रहिएगा। तो देखिए मेरा जो आईडी है यहाँ पे ओपन हो गया, जीमेल आप ही लोगों के लिए क्रिएट किया, इसी को मैं डिलीट करूँगा। तो उसके बाद देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आप लोगों को 3 लाइन ऑप्शन मिल जाएगा और आप लोगों को सीधा आ जाना है सेटिंग्स इस ऑप्शन पर। तो इस ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों को कुछ आईडीज, अगर आपका फ़ोन में बहुत सारा 3-4 ईमेल आईडीज मतलब गूगल अकाउंट ऐड है, तो आप लोगों को फिर से सिलेक्ट करना होगा किस आईडी का आप लोग डिलीट करना चाहते हो। तो उसके बाद देखिए ऊपर एकदम आ जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इस पर जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा और भी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो मैनेज योर गूगल अकाउंट इस ऑप्शन पर जाने के बाद डेटा एंड प्राइवेसी इस ऑप्शन पर आप लोगों को जाना है। तो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, जो मोर ऑप्शन के अंडर में होगा, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब आ जाएगा, मोर ऑप्शन यहाँ पे आ गया, और उसके ठीक नीचे है डिलीट योर गूगल अकाउंट, डिलीट योर एंटायर अकाउंट एंड डेटा, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए और भी एक जगह पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्रायल 716@gmail.com, इस आईडी को मैंने सिलेक्ट किया था और इसी को मैं डिलीट करूँगा। तो अभी आप लोगों को आपका जो पासवर्ड है इसको इनपुट करना है, और इनपुट करने के बाद यहाँ पर पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या आता है आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया डिलीट योर गूगल अकाउंट, डाउनलोड योर डेटा, तो फिलहाल मेरा यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो देखिए थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 स्टेप आप लोगों को दिख जाएगा, यस आई एक्नोलेज दैट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके का एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, और नीचे है यस आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा। तो आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना होगा, आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा सेकेंड वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो डेटा है मतलब आपका जीमेल अकाउंट के साथ, जो गूगल अकाउंट के साथ जो जितना सारा डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सीधा जाना है डिलीट अकाउंट इस ऑप्शन पे, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, फर्स्ट वाला भी सिलेक्ट करना है, 2 चेकबॉक्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद डिलीट अकाउंट यहाँ पे जाना है, और मैंने पासवर्ड ऑलरेडी दे दिया था, तो उसके बाद आई होप और कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया, योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इस डेटा हैज़ बीन डिलीटेड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिलीट हो गया, पर आप रिकवर भी कर सकते हो। देखिए रिकवर योर अकाउंट बाय मिस्टेक, अगर आप डिलीट कर दिए होगे तो यहाँ से आप लोग रिकवर भी कर सकते हो, तो सब आपका चॉइस है। तो इस तरीके से आप एक गूगल अकाउंट को, एक गूगल अकाउंट को, एक जीमेल आईडी को मतलब गूगल अकाउंट ही होता है, तो उसको डिलीट कर सकते हो। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल था, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नया एक वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।